जैसे हर धर्म को मानने वाले लोगों के कुछ पवित्र त्योहार, पवित्र दिन होते हैं, वैसे ही हर इंसान के लिए न्याय और बराबरी के विचार में विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए भी साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है 8 मार्च। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस दिन का महत्व, इसकी जरूरत सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, हर उस पुरुष के लिए भी है जिसका समता में यकीन है, जिसे इस बात का विश्वास है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं, उनके मानवीय अधिकार बराबर हैं, दुनिया में उनका हिस्सा बराबर है, उनका सही और गलत, नैतिक और अनैतिक सब बराबर है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा पांडे और आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल में अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज हम आपको सुना रहे हैं भारतीय इतिहास की कुछ उन बेमिसाल औरतों की कहानियां जो अपने क्षेत्र की पहली भारतीय महिला थी, लेकिन उनकी कहानियां मुख्य धारा के नरेटिव से पूरी तरह नदारद हैं। हम महान उपलब्धियां हासिल करने वाले पुरुषों के नाम तो जानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में अपना पहला मुकाम बनाने वाली औरत कौन थी, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आज इस सीरीज की दूसरी कहानी उस महिला की जो कानून की पढ़ाई कर वकील बनने वाली भारत की पहली महिला थी, लेकिन उसकी त्रासदी ये है कि लंदन जाकर बैरिस्टरी पढ़ने, सबसे ज्यादा नंबर पाने, कॉलेज में टॉप करने के बावजूद वो कभी वकालत नहीं कर सकी, क्योंकि उस वक्त ये ब्रिटिश भारत का कानून था कि औरतों को वकालत करने की इजाजत नहीं थी। मर्दों के बनाए कानून ने एक औरत को वकालत करने से तो रोक दिया, लेकिन वकालत पढ़ने से नहीं रोक पाए। उस लड़की का नाम था कॉर्नेलिया सुराबजी। कॉर्नेलिया सुराबजी भारत की पहली महिला एडवोकेट थी। वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाली भी पहली भारतीय महिला थी। कॉर्नेलिया सुराबजी का जन्म 15 नवंबर 1866 को महाराष्ट्र के देवलाली में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ। कॉर्नेलिया का नाम उनकी दादी के नाम पर रखा गया। उनके पिता एक ईसाई मिशनरी थे। कॉर्नेलिया की माँ फ्रेंसिना फोर्ड की परवरिश एक ब्रिटिश कपल ने की थी, जिन्होंने 12 साल की उम्र में ही उन्हें गोद ले लिया था। पुणे में रहते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी काम किया था। कॉर्नेलिया सुराबजी से पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी लड़कियों को किसी भी प्रोग्राम में दाखिला नहीं देती थी। कॉर्नेलिया पहली लड़की थी जिसे यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पढ़ने की इजाजत दी। उसके बाद ही उस यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। उसके बाद कई महिलाओं ने वहाँ से शिक्षा ली जो अपने अपने विषयों में उस ऊंचे मुकाम तक पहुँचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जैसे 1933 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने वाली कमला सोहनी भारत की पहली महिला बायोकेमिस्ट थी। फिलहाल बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद कॉर्नेलिया ने नेशनल इंडियन एसोसिएशन को एक चिट्ठी लिखी और उनसे आगे की उच्च शिक्षा के लिए मदद मांगी। चूंकि उनके नाना नानी खुद ब्रिटिश थे और बहुत सारे प्रभावशाली अंग्रेजों को निजी तौर पर जानते थे, तो कॉर्नेलिया को ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिल गया। हालांकि इतने रसूख और पहचान के बाद भी कॉर्नेलिया के लिए दाखिला लेना आसान नहीं था। कॉर्नेलिया को बड़े इम्तहान देने पड़े, अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। प्रोफेसरों ने पाया कि ये लड़की बड़े बड़े मर्दों से ज्यादा बुद्धिमान और काबिल थी। आखिरकार उन्हें कॉर्नेलिया को ऑक्सफोर्ड में दाखिला देने के लिए राजी होना ही पड़ा। 1892 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड के समरविल कॉलेज में सिविल लॉ के कोर्स में दाखिला लिया और इस तरह वहां से कानून की पढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत लौटने के बाद फिर 1897 में उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। कॉर्नेलिया के पास सारी डिग्रियां और सारी योग्यता थी, फिर भी वो एडवोकेट नहीं बन पाई, क्योंकि उस वक्त के ब्रिटिश कानून में महिलाओं को वकालत करने की इजाजत नहीं थी। 1923 में जब ये कानून बदला, तब कहीं जाकर कॉर्नेलिया के लिए वकालत के दरवाजे खुले। अपनी किताब बिटवीन द ट्वाइलाइट्स और दो भागों में छपी अपनी आत्मकथा में कॉर्नेलिया ने विस्तार से अपने जीवन के अनुभवों के बारे में लिखा है
कि किस तरह उन्हें कदम कदम पर मर्दवाद का और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस तरह कॉर्नेलिया का नाम भारत के इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो गया।